हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और दिन है आज मंगलवार का, तारीख है 1 अगस्त। तो अभी जो है दोपहर का टाइम है, अभी हो गई है हमारी चलने की तैयारी। हम जा रहे हैं आज मुजफ्फरनगर गुरु जी के पास दरबार में। तो वहाँ पर जा रहे, काफ़ी टाइम हो गया, 2 महीने हो गए गुरु जी के यहाँ पे गए नहीं गया। और तो देखो जी, तो दरबार लगता है तो जाना पड़ता है दरबार में। और ऐसा हो गया कि पिछली बार भी नहीं हमारे से जाया गया, 6-7 महीने बाद हम बालाजी गए थे ना। तो अब की बार हम सोच रहे हैं कि चलो जी गुरु जी के दर्शन करके आ जाए। और अभी आज हम जाएंगे तो 3 बजे से ही लगेगा दरबार। तो अभी यहाँ पर मम्मी और बुआ जी भी आ चुकी है। ये देखिए पिपल्स वाली बुआ जी, जो सबसे बड़े वाले बुआ जी है। 1 घंटा हो गया कम से कम, है 1 घंटा हो गया बुआ जी आए और एकदम से सरप्राइज दे दिया बुआ जी ने आके। चलो जी बढ़िया है, मम्मी अकेले रह जाती है यहाँ पे, भगवान ने भेज दी बुआ जी को साथ में। तो हो गया ना, हाँ तो क्या हो गया। और ये इसने गोड्डे गड्ढे फुटबॉल बैठी है देखो। और इसमें हो गया जी मट्ठा, और जी थोड़े से जमे लेके जा रहे हैं वो भी दीदी के यहाँ पे। अगर गांधी भैया मिल गए तो दे देंगे, वापसी आ जाएंगे फिर चले जाएंगे, क्योंकि जमे तोड़े ना। तो अब की बार वो भी दीदी से टूटे नहीं बालिका की वजह से। तो पूजा के लिए देखो थोड़े बहुत तो चाहिए ही। तो अभी चलते हैं, हंडिका के पापा भी आ चुके हैं बैंक से। हम तो नहीं चल रहे, लोहड़ी सन हुई, हाँ गर्मी हो रही। चलो कोई बात नहीं, शाम तक वापसी भी आना है हमें। और अन्निका को मैंने तैयार कर दिया, कपड़े पहनाए हैं बस सिंपल से ही। गर्मी हो रही क्योंकि, और फिर जो गर्मी में बहुत बुरा हाल हो जाएगा जो वैसे जींस वींस पहनाए ना इसे। तो चलिए जी अभी बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। तो देखते हैं वहाँ पे कौन कौन आता है। वैसे मम्मी अभी बोल रही थी आने को, मेरे भाई यार राघवर। तो वहाँ पर चलते हैं, मिलवाते हैं आपको कौन कौन आएगा। तो अभी हम चलते हैं जी, और इसने कर लिया सभी को राम राम, हमने कर लिए चरण स्पर्श है। चलो जी शाम को मिलते हैं, बुआ जी हैं शाम को मिलते हैं ना, शाम के टाइम मिलते हैं आपको, बाय। और गद्दी में से नीचे नहीं उतर रही, पैर सीधे करके चल रही। ठीक गाइस, अभी हम आए थे यहाँ पे गुरु जी के पास अपने पापा के दर्शन करने के लिए। और अभी मम्मी भी आई हुई है, ये देखिए प्रसाद मिला है। और मामी जी आए, विवेक की मम्मी, दीदी रीतू दीदी यहाँ पे। तो अभी जाना है इनके घर और मम्मी लेके आई है कट्टे में अमरूद, क्योंकि घर में ना बहुत सारे अमरूद लग रहे हैं, वो पेड़ है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे मम्मी जी के लिए इसलिए लेके आए क्योंकि सिमधने के से इन्हें से अमरूद चाहिए थे। और मम्मी भी बोल रही थी घर, तो अभी कुछ घर जाएंगे ये अमरूद तो उसे बैग में रख लेंगे। अभी अन्निका के पापा कुछ काम गए हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके थे रीतू दीदी के घर, और जी यहाँ पे अभी आने के बाद थोड़ा नाश्ते वास्ते की तैयारी चल रही है। मम्मी बैठी, मामी जी, राघव और विवेक, और अन्निका के पापा अभी वहीं पे दरबार में, वहाँ पे कुछ सामान लेने के लिए जा रहे थे ना। तो मैं यहाँ पे आ गई। अन्निका का तो बहुत ज़्यादा मन लगा बच्चों के साथ, वो देखो कितनी खेल रही है वहाँ पर, इसका मन लग रहा बहुत ज़्यादा। बेटा घर नहीं चलते, अपने घर नहीं चलते क्या? भैया और इनके साथ में ना आके इसका इतना मन लग जाए, क्योंकि 2 बार मिल गए ना, वहाँ बालाजी गए थे और यहाँ पे भी हमारे 1 बार दरबार में जब भी से मिली यहाँ पे। तो अभी जो है दीदी की हो रही है नाश्ता बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए। मामी जी तो मना नहीं कर रही है, हम कह रहे कोई नहीं बना ले, हम तो कहीं नहीं है, चाय वाय भी जाएंगे क्योंकि दोपहर के चले हुए हैं ना। तो वैसे तो खाना वाना खा के आए थे हम, और अभी 5 बज चुके हैं सवा, तो उसके बाद जाना है हमें घर। 7 बज जाएंगे हम अर्णिका भी खेल रही है पीछे बच्चे के साथ में, ये अभी फोन में बिजी है दोनों से दोनों। हेलो फ्रेंड, जय श्री राम, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी 11:30 बज चुके हैं। आज ना सुबह से हो रही है तबीयत खराब, क्योंकि सुबह से था सर में बहुत ज़्यादा दर्द। तो वीडियो की शुरुआत भी नहीं की, काम भी अभी जो है मम्मी ने किया है सारा का सारा। तो बस अभी दवाई लेने के बाद लगा है आराम, हमने बना दी है आज दोपहर के टाइम जमी खाने में भी, क्योंकि आज बोल रहे कि आलू वालू खाते ना बहुत टाइम हो गया, कल दाल बनाई थी, आलू बैंगन आलू शिमला मिर्च ये सभी चीज़ें चलती है। तो फिर आज भी थोड़ा सा चटपटा बना लिया। बुआ जी आई है, बुआ जी सो रही है पीछे बेड पे। तो अभी मम्मी यहाँ पे जमे तोड़ने के लिए लग चुकी है, ये देखो यहाँ पे मम्मी ने जो है अपना आटा बना लिया एक कटोरा, और उसके जमे थोड़े जाएंगे क्योंकि जमे ज़रूरी है, और जमे एक दिन में
जितने 3-4 दिन में टूटता है, तो एक बार में बन जाएगा। हाँ, 3 दिन टूटता है इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि टूटते तो इतने है नहीं, और जी बन जाता है एक टाइम जब बनावे, क्योंकि जब सभी खाते हैं, फैमिली है, 4-5 जने हैं। देखो तो अभी अन्निका जो है नीचे गई है, वो है अपने बब्बा जी के पास, और उसे ऊपर बुला रहे हैं हम छत पे, वो आ नहीं रही बिल्कुल भी, क्योंकि उसका मन लगा नीचे ही, और नीचे है ना बच्चे थे बहुत सारे, उनके साथ खेल रही थी। और तो अभी शायद इन्वर्टर भी डाउन हो सकता है, सभी बोल रही आपके घर में इन्वर्टर नहीं, इन्वर्टर है हमारे घर में, डाउन हो जाए, क्योंकि जब 3-4 पंखे चले ना तो फिर डाउन तो हो ही जा। देखो क्योंकि नीचे भी चलते रहे हैं, चाचा जी का अलग चला है, पापा का अलग चला है, हमारे अलग, हम तो एक ही नीचे चला रहे हैं काम सारे के सारे, मम्मी भी, मैं भी, हन्नी का भी, और हन्नी का पापा भी। तो चलिए जी, अभी मम्मी जवे तोड़ रही, मैंने अभी जवे छोंक दिए हैं, तो जो सिवाई अभी बोलते हैं इन्हें जवों को। तो देखिए गाइस, अभी यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और इसमें डाल देंगे अभी जीरा, तेल गरम होने के लिए छोड़ देंगे। अभी तेल गरम हो चुका है, अभी जीरा जो है भुन चुका है, इसमें डाल देंगे अभी टमाटर और हरी मिर्च। और ऊपर से इसमें डाल देंगे नमक, जिससे भी जल्दी गर्म हो जाए टमाटर, और हल्दी पाउडर। टमाटरों को देखा है अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। अब एक टमाटर जो है भून चुके हैं, इसमें डाल देते हैं जवे जो हमने धो के रखे हैं। तो ऊपर से इसमें डाल देंगे पानी, हल्का सा ही डाल लेंगे पानी। ये जवे जो है बनने लग रहे हैं, ये तो इन्हें हम ढक के रख देते हैं, ये देखिए। और फिर डाल दिया जाएगा इसमें गरम मसाला और हरा धनिया, तो जवे बनके हो जाएंगे तैयार। तो चलिए जी, अभी जो है इसके साथ हो गया मट्ठा, मट्ठा हो, दही हो, ये सभी चीज़ें के साथ खा लेंगे, क्योंकि चाय वाय के साथ तो नहीं खाएंगे, मट्ठे के साथ खाएंगे, क्योंकि मट्ठे के साथ लगेंगे ये बहुत अच्छे। तो तब तक मैंने इसे मीडियम आँच पर बनाने के लिए रख दिया है, तो मीडियम आँच पर अच्छे बन जाएंगे आराम आराम से। तो तब तक लगाते हैं अन्निका को आवाज़, क्योंकि वो भी आ जाएगी, वो भी खा लेगी, और उसे ना अच्छे लगे थे उस दिन बनाए थे ना मैंने, उस दिन उसने खा लिए थे थोड़े बहुत। तो गाइस देखिए, अभी जवे बनके हो गए तैयार हल्के पूरी, और इसमें डाल देंगे ऊपर से गरम मसाला, ऊपर से इसमें गरम मसाला। तो अभी इन्हें एक जगह मिक्स कर देंगे, क्योंकि हल्के पतले पतले से है ना, तो इसमें मिक्स हो जाएगा, ज़्यादा सूख जाएंगे तो फिर होने का नहीं। देखो बहुत अच्छे बन गए चटपटे से। कल हम गए थे मुजफ्फरनगर दरबार में, तो वहाँ पे भी सभी से मिलवाया था हमने आपको, और वैसा होता कि वीडियो वगैरह इतनी बना नहीं पाए, और हमने इसी वाली वीडियो में ही जोड़ दिया सभी, क्योंकि वहाँ पे गए थे और 1-2 मिनट की वीडियो बनाई, जल्दी जल्दी में तो गए वहाँ पे, और जल्दी जल्दी से आए, क्योंकि 1-1.5 घंटा में जाने में लगा, 1-1.5 घंटा आने में लगा। हम 7:30 बजे आए थे ना मम्मी, हम रात के टाइम 7:30 बजे आए थे, और फिर आने के बाद इतनी थकावट होगी, ना वीडियो बना पाए, ना खाना खाया, कुछ नहीं, बस होना ना दो गए, लेट गए थे एकदम से, क्योंकि बैठे बैठे थक जाए, ज़्यादा लंबा सफ़र है, हमें कम से कम ऐसा पड़ा है यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर तो शामली है मुजफ्फरनगर से, और जी 10-12 14 यहाँ भी है शामली से। हाँ, तो इस 55 के लपेट में पड़ जाए, और देखो मुजफ्फरनगर है, फिर मुजफ्फरनगर को आगे पूरा मुजफ्फरनगर क्रॉस करना पड़ा है, वहाँ पे जाना पड़ा है कच्ची सड़क में, जो मुजफ्फरनगर है ना वहाँ शिव चौक भी पार करके, और फिर कच्ची सड़क में है हमारे गुरुजी, जो वहाँ पे गए थे हम, कम से कम हमें 50-60 की लपेट में पड़ जाए। तो चलिए जी, अभी जो है हम भी थोड़ी सी मम्मी के साथ जगह तोड़वा देते हैं यहाँ पर।